हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है वो सब हम बहुत अच्छे से आज जानेंगे। देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, क्योंकि हाइड्रोस्फेयर के बारे में ऐसे ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, बट जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने परसेंट वाटर है, कितनी परसेंट वाटरी लैंड है, कितने परसेंट लैंड है, वो सब कुछ, ग्राउंड वाटर कितना है, ग्लेशियर्स में कितना पानी है, फ्रेश वाटर कितना है, सलाइन वाटर कितना है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में जो हाइड्रो है उसका मतलब है वाटर और स्फेयर का मतलब है डोमेन, मतलब अर्थ के ऊपर जो वाटर वाला डोमेन है, मतलब जो पानी वाला पार्ट है अर्थ के ऊपर। जैसे मान लीजिए, जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसके ऊपर मान लीजिए इतनी लैंड है। ठीक है, इसके अलावा जो बच गया पार्ट वो पानी वाला है, तो जो पानी वाला पार्ट सारा बच गया उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। वैसे मत बोलना कि मैम ऐसा नहीं है, बीच में पानी ऐसा वैसा, वो मुझे पता है, नहीं मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा था। ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया कि जो भी पानी वाला पार्ट है ना उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। हाइड्रोस्फीयर का फर्स्ट पॉइंट आता है मींस वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ, जो चीज मैंने आपको समझा दी, अर्थ के ऊपर जो पानी वाला सारा पार्ट है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेम गिवन टू द मास ऑफ वाटर दैट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस, मतलब हाइड्रोस्फीयर जो है हमने नाम दिया है उस सारे पानी के भार को, मास को, जो कवर करता है अर्थ के सर्फेस का 71%, मतलब अर्थ जो है हमारी उसके 71% पे वाटर है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं ना। लेकिन जो वाटर है क्या सिर्फ ओशंस एंड लेक्स की फॉर्म में अवेलेबल है? नहीं, लिक्विड फॉर्म में भी है, फ्रोजन यानी बर्फ, आइस की फॉर्म में भी है, गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, उस फॉर्म में भी है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी है। तो जो मास ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर है जो अर्थ पे 71% अवेलेबल है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। अब देखिए, ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। तो मैंने इस वीडियो के एंड में परसेंटेज फॉर्म में आपको बताया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, जैसे हमारी अर्थ है, इक्वेटर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने परसेंट लैंड है, कितने परसेंट वाटर है, वो सब हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। फिलहाल हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है कि अर्थ के ऊपर कितना सलीन वाटर है, कितना फ्रेश वाटर है, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए, जो हमारी अर्थ है उस पे 71% पार्ट जो है वो वाटर का है। लेकिन जब हम उस 71% को 100% मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, मतलब कि 71% तो वो अर्थ के ऊपर है, कलेक्टिवली वो 100% है, तो उस पूरे पानी में से ओशंस में कितना पानी है? 96.5%। अदर सेलीन वाटर कितना है? 0.9%। एंड फ्रेश वाटर कितना है? 2.5%। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है कि फ्रेश वाटर कितना है? 2.5%। ओशंस में कितना है? 96.5%। अब कई जगह ये 97.5% भी दिया होता है, क्योंकि जो ये अदर सेलीन वाटर है इसमें ऐड कर लिया होता है। क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आपने ऑप्शंस देखने हैं, अगर वहां पे 96.5% है तो यही करेक्ट होगा। लेकिन अगर 97.5% दिया है, मतलब इस एक को भी वहीं पे जोड़ देते हैं, तो आपने वो टिक करना है। एंड फ्रेश वाटर हो गया 2.5%। अब देखिए, ये तो आपको याद ही करना है, मतलब रट लो इस चीज को। लेकिन इसके आगे अब समझने वाली बात है कि जो फ्रेश वाटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ठीक है, फिर यहाँ पे सरफेस पे जो फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो ये दोनों चीजें पढ़ने वाली नहीं है। लेकिन मुझे एक अच्छी जगह पे मिली, मैं यूपीएससी की वेबसाइट से नोट्स बना रही थी तो मुझे अच्छी जगह मिली, तो मैंने ये चीज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी है, इनकेस आप फर्दर बहुत डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं। अदरवाइज आप सिंपल से हैं, एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मतलब यूपीएससी से नीचे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये पढ़ने की जरूरत ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। एक तो आपको ये ओशन एंड फ्रेश वाटर वाला मैंने बता दिया, ठीक है, उसके बाद आपको इसके नोट्स बनाने, तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाला पार्ट आप पूरा का पूरा रट लें। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता है, सबसे पहले मुझे पेज जरा एडजस्ट करने दे। ओके, अब क्वेश्चन आता है ओशंस में कितना परसेंट वाटर है? 97.25% याद करना है। ठीक है, अब बोला मैम हल्का सा फुल्का सा, वो ऊपर वो चलता है, जो आपका एमसीक्यूज आपको आएंगे उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि 97.1, 97.2, 97.3, नहीं, कभी नहीं होगा, उसमें होगा 60, 70, 80, 90, बताइए, इस तरह से होगा। अब
ओशियंस में पूरे 100% का 97.25% है, याद करना है। ग्लेशियर्स में है 2.05%, याद करना है। ग्राउंड वाटर 0.68%, याद करना है। इसके अलावा लेक्स में आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, बायोस्फेयर, हर जगह देख सकते हैं। अब मैक्सिमम जो है ये तीन पूछे जाते हैं, या फिर फ्रेश वाटर पूछा जाता है, वो भी आपने देखा है 2.5% है, ऊपर मैंने बताया। ऊपर वाले दो याद करने हैं, बाकी ये तीन याद करने हैं। इसके अलावा यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं अपने स्टेट एग्जाम्स की बात करूं, वहां पे बायोस्फेयर पे आया था, तो मैंने ये चीज फिर अलग से उस टाइम पढ़ी थी और डेप्थ में कि बायोस्फीयर में, और आंसर ये था। तो आपने अब ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें कि आप जिस एग्जाम के लिए, देखिए कितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं, अपने होते हैं, कोई क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, टीचिंग है, एनडीए है, एयरफोर्स है, कितने तरह के एग्जाम्स हैं, हर जगह जीएस आता है। तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें कि किस तरह के वहां पे क्वेश्चंस हैं, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, फिर प्रिपरेशन करनी है ना। तो ये वाला तो आपने पूरा मतलब याद कर लेना है, ठीक है। एक यहां से क्वेश्चन आता है, एक आता है आपका ओशन एंड फ्रेश वाटर वाला, जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा जो ये दो पार्ट्स है, लिखने हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट आता है, हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस प्लैनेट के बारे में। ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज वाटर इन द अबंडेंस, हेंस कॉल्ड वाटर प्लैनेट। इकलौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें पानी भरपूर मात्रा में है, बहुत ज्यादा पानी है, अबंडेंस में पानी है, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। अब अगर आप ऊपर जाके देखेंगे ना, स्काई से, आसमान से, यूनिवर्स से, सैटेलाइट्स के थ्रू जो भी हमें डेटा आता है, तो पानी क्या है, रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो ब्लू कलर का दिखाई देता है स्काई की रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अब हमें वो ऊपर से मतलब स्काई से ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो इसलिए अर्थ को कह देते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा रह गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, सबसे पहले तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं हाइड्रोस्फीयर तक, तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपको पता होगा अर्थ है, इक्वेटर है, लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, वो सब आपको चीज पता होगी, है ना। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिसे मैं आपको यहां पर समझाती हूँ, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें वाटर है 60%, मतलब मोटा मोटा है ना, 61% रख लीजिए। तो बाकी जो बचे, जैसे अगर 60% वाटर है, तो 40% क्या है, लैंड एरिया है, जमीन है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में 80% यानी 81% वाटर है, तो 19% क्या है, लैंड है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ज्यादा वाटर जो है, ज्यादा एरिया किस में कवर करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो वाटर साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, पैसिफिक ओशन साउदर्न हेमिस्फीयर में है, अटलांटिक का ज्यादा नीचे वाली साइड है, इंडियन ओशन नीचे है। तो आपने इस तरह से मैप आपके सामने होगा, तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, आप देखेंगे आपके दिमाग में चीज बैठेगी। अगर आप याद करेंगे तो आप याद करते रह जाएंगे 60.7, 80.9, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं 6, 7, 8, 9, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वाटरी लैंड, वाटर के लिए जलीय धरातल, ठीक है। तो अगर पूरे, जैसे हम इसको पूरा अर्थ मानते हैं, ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए वाटर लैंड जैसे हम मानते हैं 100% है, वाटर लैंड मतलब जलीय धरातल जिसके ऊपर जल है, तो वो 43% वाटर वाली जमीन ऊपर है, 57% वाटर वाली जमीन नीचे है। आई होप आपको समझ आई होगी ये चीज, है ना। चलिए, नहीं समझ आई तो एक बार आप बैक करके देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो इतनी सी ही थी, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी कहीं से आ जाए हमने नहीं पढ़ा तो वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। एंड आगे चलने से पहले आपको कुछ बातें इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने करंट अफेयर्स पे जोर रखें, हिंदू एडिटोरियल पढ़ें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ें, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज पढ़ें जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आपने साथ में लगाया है, थोड़ा रेस्ट भी करें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ना है वो है ओशनिक फ्लोर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, एबिसल प्लेन्स क्या है, ट्रेंचेस क्या है, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी, वो सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।